संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी ताओ पे आपने बोला कि डिजायर से डिजायरलेस होने की तरफ जाना होगा, तो डिजायर और डिजायरलेस होना क्या है, थोड़ा और एलेबरेट करें। क्या डिजायरलेसनेस का मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी है? एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी भी है और डिजायरलेस डिजायर्स का टोटल एक्सेप्टेंस भी है। डिजायरलेस डिजायर से युद्ध का समाप्त हो जाना भी है। इच्छा रहित वही होता है जो इच्छाओं के उठने गिरने के जाल को देख लेता है, उनसे उलझता नहीं, वो मान लेता है, जान लेता है, स्वीकार कर लेता है कि उसी स्रोत से इच्छाएं उठती हैं, उठने देता है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है। जब एवर डिजायरिंग यानी कि सतत इच्छा में लगे होने की बात आई तो उसका अर्थ है इच्छाओं से तादात्म्य बना लेना, लिप्त हो जाना। और एवर डिजायरलेस सतत इच्छा रहित, उसका अर्थ है इच्छाओं से तादात्म्य को टूट जाने देना। बस इतना सा अंतर है, बारीक सा अंतर। इच्छाएं वैसे ही अपनी जगह पर हैं, इच्छाएं ना मिटी ना इच्छाएं कहीं गईं, वो जैसी जहां थी वहीं हैं, वो जैसे उठती थी गिरती थी वैसे ही उठ रही हैं गिर रही हैं। लेकिन व्यक्तिगत तादात्म्य टूट गया। ये तादात्म्य लंबे समय से हमारी आदत के कारण पैदा होता है, ये हमारी सामाजिक शैक्षिक जो संस्कारबद्धता है, जो सोशल एजुकेशनल कंडीशनिंग है, उसके कारण पैदा होता है। व्यक्ति की जो सहज वृत्ति है वो डिजायर, जैसे बच्चे को देखें, बच्चे को क्या कहेंगे, वो एवर डिजायरिंग है या एवर डिजायरलेस है? यूं तो दिखेगा कि बड़ी डिजायर्स हैं, खाना चाहिए, पानी चाहिए, सब जैसे उसके अंदर से इच्छाएं उठ रही हैं, लेकिन तटस्थ होकर देखें तो दिखेगा कि वो एवर डिजायरलेस है। नेचुरली इच्छाएं नैसर्गिक रूप से उसके भीतर उठती हैं, अपनी पकड़ नहीं बनाती हैं, बस जैसे इच्छाओं की एक अनुगूंज होती है और गुजर जाती हैं। उनकी अगर इच्छाओं की पूर्ति हुई, परितृप्ति हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक। बच्चा सौभाग्यशाली है कि अस्तित्व उसकी इच्छाओं की पूर्ति की व्यवस्था भी साथ में लेकर चलता है, तो उसको पता भी नहीं चलता कब इच्छा उठी और कब पूरी हुई, कब वो डिजायर्स उठी और वो डिजायरलेस स्टेट में चला गया। तो एक जो इनोसेंट स्टेज है वो एवर डिजायरलेस स्टेज है, सतत इच्छा मुक्त। इसीलिए एक संत जो है वो बच्चों जैसा होता है, निर्दोष, इच्छाओं से भाग नहीं रहा है, वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है कि इच्छा रहित हो जाएगा तो एक एक इच्छा को वो खत्म करेगा। यही तो बात रही होगी जब जीसस ने भी कहा होगा कि प्रभु के राज्य में वही आएंगे जो बच्चों जैसे होंगे, निर्दोष। निर्दोष कौन है? जिसका तादात्म्य नहीं है, जिसकी पकड़ नहीं है, जिसका आइडेंटिफिकेशन नहीं बना है अपनी इच्छाओं से, वो निर्दोष है, वो इनोसेंट है, वही बच्चों जैसा है। तो इच्छा रहित स्थिति वही है, इच्छाओं को उठने देना, उनसे लिप्त ना होना, उनसे अपना तादात्म्य ना बनाना। बच्चे में नैसर्गिक रूप से घटा है, साधक को सचेतन रूप से उसको एक बार देखना है, क्योंकि ये उसके प्रोग्राम में पहले से ही है और इसको वो जानता भी है। ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं आने जा रही है किसी सीकर के अंदर जिसे वो जानता ही नहीं। अपने शैशव में, अपने बचपन में उसने उस अवस्था को देखा है, जाना है, तो उसके अंदर उसकी स्मृति है, बस उसको थोड़ा सचेतन होना है। और जैसे ही वो सचेतन होगा वो उस एवर डिजायरलेस स्टेट में चला जाएगा, इच्छाएं उठती रहेंगी निर्दोष ढंग से, वो लिप्त नहीं होगा, वो उससे अपना तादात्म्य नहीं जोड़ेगा और यही उसके भीतर भी झलकेगा। संत क्यों निर्दोष दिखता है? अगर संत भी जकड़ा अकड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्रुद्ध अवरुद्ध ऐसा दिखाई दे तो वो बच्चे जैसा नहीं होगा ना। बच्चे जैसा निर्दोष, उसकी आंखें देखो, उसका सारा स्वभाव देखो, वो निर्दोष है।
वही संत है। भारत में हमने संत को ऐसा ही देखा है, वही उसके डिजायरलेस स्टेट है। तो वो स्मृति है, एक बार सचेतन ढंग से उसको टटोल लें और वो फिर सहज ढंग से घट जाए।